प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 14 घंटे के जनता कर्फ्यू का काउंटडाउन नजदीक आ गया है। एक तरफ रेलवे ने रविवार को देश भर में 3,700 ट्रेनों का परिचालन रद्द करने की घोषणा की, तो दूसरी तरफ देश की दो विमानन कंपनियों इंडिगो और गो एयर ने करीब 1,000 उड़ानें कैंसिल करने का फैसला किया है। रेलवे की घोषणा के मुताबिक रविवार को रद्द होने वाली ट्रेनों में पैसेंजर के साथ साथ लंबी दूरी की मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें भी शामिल होंगी। वहीं आज रात 10 बजे से देश के किसी भी स्टेशन से कोई पैसेंजर या एक्सप्रेस ट्रेन नहीं खुलेगी। बताते चलें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में रविवार यानी कल जनता कर्फ्यू का आह्वान किया। उन्होंने लोगों से रविवार सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक घरों में ही रहने का आग्रह किया है। कहा जा रहा है कि जनता कर्फ्यू के जरिए सरकार ये देखना चाहती है कि कोरोना का असर बढ़ने पर लॉकडाउन की स्थिति के लिए देश कितना तैयार है। वहीं अब जब रेलवे ने इतना बड़ा ऐलान किया है तो अटकलों को भी बल मिलने लगा कि आखिर ये स्थितियां अभी जो बन रही है इनको कंट्रोल करने के लिए कदम कितना कारगर होता है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।